वेरी गुड मॉर्निंग माई ब्यूटीफुल वर्चुअल फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ भी हैं सेफ और सुरक्षित हैं। वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है हमारा होली का ब्लॉग है, तो आप सभी को होली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं पहले से ही। और मेरा भी आज होली का कुछ कुछ प्लान है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, पहले बहुत लंबा चौड़ा प्लान था लेकिन वो सारा प्लान कट शॉर्ट हो गया और अब बस आज घर में ही रहना है। तो आज क्या क्या होगा घर में, कौन कौन लोग आएंगे और क्या क्या चीज़ें होंगी, सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को ना बिना स्किप के इवेंट तक देखना है। चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज वहाँ ही मैं स्टोरीज डालते रहता हूँ। तो चलिए बिना देरी के इस ब्लॉग को आगे बढ़ते हैं फटफट करके, क्योंकि सारी चीज़ें चल रही हैं वो ख़त्म हो उसके पहले मैं दिखाऊँ कि मेरे घर में क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं। आइए आपको तैयारी दिखलाते हैं, क्या क्या पकवान बन रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, मुँह ही क्या कर रही है। आइए बात। तो यहाँ पीछे जो है मोही बाड़ा की बस्ती चल रही है, अपना खेल मिल रही है और हालांकि बड़ा नीचे है क्या ये मेरे को भिगाने के चक्कर में है। हालांकि मौसम आज बड़ा अजीब ही किया हुआ है, धूप तो है नहीं। नहीं प्लान करने के तो ये प्लान करिए भिगाएगी मेरे को। खरा मौसम आज बड़ा अजीब किया हुआ है, पता नहीं, धूप भी नहीं है, लग रहा बारिश होगा, कुछ कुछ जगह बारिश भी हुई है। चलते नीचे देखते खाना बना क्या करिए। आइए टिक्की चाट बनाने में लगी हुई है और खरा मटन नीचे मटन बना रहा है। इस मटन को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा बना है। हालांकि इसका मटन तो हमेशा ही लाजवाब बनता है। तो ऑन कैमरा अल्टीमेट माइंड ब्लोइंग। तो अभी भी टेस्ट करते, सीज गया थोड़ा सा सीजेगा, बाकी सब बहुत बढ़िया है। बाकी और भी कुछ खास खास मेहमान आने वाले हैं आज हमारे पास, तो उनसे ही बातें करेंगे जब भी वो आएंगे। तो फिलहाल मटन खाते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं। तो मटन टेस्ट करने के बाद बारी है अब वेज के ऊपर बन रहा था पुआ, छोला और कचौड़ी। तो थोड़ा सा टेस्ट करते हैं कचौड़ी पुआ, और ये पुआ हो गया कचौड़ी और छोले। एक नंबर। तो चलिए आराम से खाते हैं, खाने के बाद बात करते हैं। और नाश्ता करके हो चुका है और पीछे मोही मर्डर की मस्ती चल रही है एक छत से दूसरे छत पे। आइए दिखाते हैं। Oh, oh, oh.
बच्चे जो है इन सब की होली चल रही है जबरदस्त वाली। मैं बस अबीर खेलता हूँ, मैं रंग नहीं खेलता हूँ, पता नहीं रंग से मुझे एलर्जी है। और एलर्जी क्या कि थोड़ा स्किन सेंसिटिव है, रंग लगता है तो थोड़ा सा वो दाने दाने हो जाते हैं। हालांकि अबीर से भी होता है, लेकिन अबीर मैं खेलता हूँ, उतना मैं झेल लेता हूँ। इसलिए है क्या कि डबल बार नहीं झेलता हूँ, सिंगल बार झेलता हूँ। अबीर लगाने के बाद ये हल्का सा होता है, लेकिन वो मैं मैनेज कर लेता हूँ, बिकॉज होली का है त्यौहार है तो रंग नहीं, तो एक चीज़ तो करना ही करना है बहुत, चाहे जो हो। तो मैं अबीर खेलता हूँ, तो शाम को अबीर खेलूँगा। और नीचे इनकी जो है धमा चौकड़ी चल रही है बहुत ज़बरदस्त जोर शोर पे, तो चलिए देखिए फिर देखते रहिए क्या होते रहता है। आपको मैं बस ऊपर से वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं खौफ से नीचे भी नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज अबीर क्या है कि फिर भी निकल जाता है, बट रंग क्या है ना कि 3-4 दिन तक लगे रह जाता है, तो उसका असर कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। इचिंग होने लगता है स्किन पे, और थोड़ा सा जब हटता है तो थोड़ा लाल लाल रैशेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा सा मैं बचता हूँ इन सब चीज़ों से। अबीर का उतना नहीं रहता है, हालांकि अबीर का फिर भी रहता है, बट थोड़ा कम रहता है, बट ठीक है उतना चलता है, मैनेजेबल है। इसलिए चलिए नीचे इनकी होली देखते हैं आपको। आगे हैं अब जरा घटाने के लिए और शाम को तैयारी के लिए, तो फिलहाल देखिए कैसे लग रही है लोग। ओ माय गॉड, बाप रे, ये जो नहा के मिलेंगे ना साथ में, शक्ल दिखाओ, ये बाप रे, ओ माय गॉड, बाप रे बाप, ये दोनों तो बाप रे गजब के हो गए भैया। अब एक हो जाएगा वो स्नैप वाला वीडियो, बस पहले ऐसे थे तो अब कैसे हो गए हैं, पहले पहले स्नैप वीडियो बना दी, बस बता रहे थे पूरा अजीब वो गरीब हो गए लाल लाल अजीब तरीके से, तो ये साफ हो गया था, तब मैं बनवाता हूँ जब खाने चले गए तब। बाय कर दो सबको फिर से। तो फाइनली ये हम लोग का नया अवतार, मतलब ये दोनों का नया अवतार, आप बिफोर और आफ्टर। तो अभी हम लोग का नहा धो के हो चुका है रेडी और फ्रेश। ये लोग का जो रंग है चेहरे का थोड़े दिन के बाद और क्लियर होगा, और दो दिन के बाद क्लियर होगा, बट पता नहीं शाम होते तो अबीर जब लगेगा ना तो मेरा ही वही हाल हो जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं खाना खाने के लिए, और खाना खाने के टाइम में मिलते हैं आराम से, और खाने को इंजॉय करते हैं, मटन अप्पू इंजॉय करते हैं। आइए, तो फाइनली बारी हो गई है मटन अप्पू खाने की, तो लोग मटन पुआ खाते हैं, और खाने के बाद मम्मी कैसा लग रहा है मटन? यम्मी, मुंह में जगह नहीं क्यों बोले? तो अभी मोही खाने में व्यस्त, तो अभी खाता हूँ, फाइनली बोला तो खाते हैं, और खाना खाने के आई मीन मटन पुआ खाने के बाद मिलते हैं। और ब्रेक के बाद फिर से मटन खाने के बाद सीधा नहा धो के रेडी। ये भगवान, ये देखिए सीधा परंपरा वो हम लोग पूरा करते हैं, और इस होली के ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। चलो
अभी जो है खाना की फ्रेंड आ गई है लाड़ो आर्यन उत्कर्ष सब लोग आए हुए यहाँ पे मस्ती हो रही है और ये दोनों की मस्ती हम लोग जा रहे भी ड्राइंग करें ठीक बाद में तो फिलहाल अब चलते हैं नीचे खाने के लिए और खाना खाने के समय मिलते हैं और एक और मेरे खास हम खास आ रहे हैं उनसे मैं मिलवाऊंगा मैं आपको तो चलते फिलहाल नीचे देखते हैं मैडम क्या कर रही है हमारी मैडम लगता है किचन में कुछ कर रही है सर दोनों मित्र जो है दोनों जो है किचन में कुछ कर रही है आप लोग क्या हो रहा है किचन में आप लोग का भाई आ रही है करने के लिए और चलते हैं नीचे चले सेटअप करते हैं फिर मिलते हैं आराम से ये चल रहा है यहाँ पे बच्चों का बच्चा पार्टी और बड़ों का पार्टी भी चलेगा थोड़ी देर में शुरू होगा और सर कैसा लगा मटन खा के है ना चल भाभी क्यों आप नहीं खा रही ओ माय गॉड बच्चों को कैसा लग रहा मटन सुपर सुपर ये लोग से पूछिए चलिए बेटा चावल तो सक्सेसफुल रहा मटन का ये लोग की पार्टी चल रही है थी थोड़ी देर बाद हमारी पार्टी शुरू होगी जब हमारी पार्टी शुरू होगी तब हम बताएंगे कैसा हालांकि अच्छा ही है बट फिर दिखलाएंगे भी आपको हम खाने बैठ कर एक बार स्पेशल गेस्ट के साथ और जो मेरे खास दोस्त हैं वो आ चुके हैं माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर हर्ष मनकारी भाई आ चुके हैं फेवरेट पीस तो चलिए मटन खाते आप तो मटन ट्राई किया सर अरे अभी बस शुरू कर रहे मुंह में पानी आ रहा है बस तो चलिए मटन का फेवरेट इनको मजा आता खा के और मेरा भी फेवरेट है और खाना के हाथ का तो बहुत ही अच्छा लगता है हम दोनों को तो चलिए हम मटन खाते हैं और खाने के बाद फिर मिलते हैं आराम से और फाइनली सीधा खाना खाने के बाद बस ऊपर बेड पे बिकॉज अब सारे मेहमान आके जा चुके हैं बहुत ही बढ़िया होली का सेलिब्रेशन रहा मैंने तो नहीं ज़्यादा कुछ किया बट मोही ने कनक थे मम्मी ने सब ने बहुत इन्जॉय किया दीदी ने खास करके बट मैंने हाँ मैंने अबीर खेला जैसा मैंने बताया था आप सभी को अबीर से मैंने खूब खेला और उसके बाद फिर हो गया हमारा खा पी के और इसी के साथ होली समाप्त और समाप्त होता है हमारा ये आज का व्लॉग लेकिन व्लॉग ख़त्म करने के पहले एक और चीज़ की बधाई आपको देता हूँ विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे बिकॉज आज 8 मार्च है वुमेंस डे भी था आज लेकिन मेरा मानना है कि वुमेंस डे सिर्फ एक दिन नहीं होता है हर दिन भी वुमेंस डे होता है तो फिर बस ये एक पर्टिकुलर दिन है मनाने का तो ठीक है तो हर दिन ही वुमेंस का होता है बिना उनके तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है तो इसलिए हैप्पी वुमेंस डे फॉर द सेक ऑफ द डे और यहाँ तक देख लिया तो यहाँ तक देखने के बाद आप सभी का दिल से शुक्रिया है यहाँ तक देखने के लिए और यहाँ तक देख लिया है तो लाइक का बटन दबना चाहिए चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे आने वाले ब्लॉग का और सोशल मीडिया फॉलो जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं अगले मस्त वाले ब्लॉग में तब तक के लिए ऐसा तस्वीर दानिया बाय।